उपचुनाव की घोषणा और विक्रम सैनी की सदस्यता फिलहाल रद्द होने के बाद ये रिक्त हुई है सीट। तो चुनाव आयोग ने खतौली में उपचुनाव की घोषणा की है, तो विक्रम सैनी की सदस्यता फिलहाल रद्द हुई है। तो विक्रम सैनी को लेकर के लगातार जिस तरीके से लेट लतीफी सामने आ रही थी, जयंत चौधरी ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया और विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हुई और अब उसके बाद खतौली विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा हुई, रिक्त हुई सीट है। तो चुनाव आयोग ने खतौली में उपचुनाव की घोषणा की, तो उपचुनाव को लेकर के लगातार जिस तरीके से अब सीटों की घोषणा की गई, एक तरफ रामपुर और मैनपुरी में उपचुनाव की घोषणा, अब दूसरी तरफ मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर भी उपचुनाव की घोषणा। तो मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर उपचुनाव की घोषणा, तो खतौली विधानसभा में उपचुनाव की घोषणा, विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द होने के बाद ये सीट खाली हुई है। तो 5 दिसंबर को मतदान और 8 दिसंबर को आएंगे नतीजे। तो एक तरफ मैनपुरी और रामपुर में उपचुनाव के साथ ही साथ अब मुजफ्फरनगर की खतौली सीट पर भी उपचुनाव होगा। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे स्टेट हेड वीरेन सिंह जी से। वीरेन जी, जिस तरीके से विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द हुई, सीट रिक्त हुई और अब इधर बीच मैनपुरी और रामपुर के साथ साथ खतौली में भी चुनाव। बिल्कुल, भारत के निर्वाचन आयोग ने आज खतौली उपचुनाव के लिए ऐलान कर दिया है तारीखों का, और 5 तारीख को दिसंबर को मतदान का भी ऐलान है और 5 दिसंबर को ही रामपुर में और मैनपुरी में भी चुनाव उपचुनाव होगा। तो ये खतौली की सीट बीजेपी की है, बाकी मैनपुरी का लोकसभा वो मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई है और रामपुर में भी आजम खान समाजवादी पार्टी के उनकी सदस्यता चली गई। तो ये 3 उपचुनाव एक साथ होने हैं और ये एक तरह से एक लोकसभा और 2 विधानसभा इसमें आती हैं। तो इन तीनों में सबसे बड़ी स्टेक जो लगी है वो समाजवादी पार्टी की है, क्योंकि मुलायम की विरासत की सीट है मैनपुरी और उसके बाद रामपुर में आजम खान की। तो उम्मीद ये की जा रही है कि इन दोनों परिवारों से ही समाजवादी पार्टी किसी को टिकट देगी, लेकिन खतौली में विक्रम सिंह सैनी के अयोग्य होने के बाद से बीजेपी ने अभी कैंडिडेट के नाम का ऐलान नहीं किया है और आज इस चुनाव इस पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है चुनाव आयोग ने। तो मुजफ्फरनगर की खतौली सीट भी इस उपचुनाव में अब शामिल हो गई है, एक साथ उत्तर प्रदेश में 3 उपचुनाव होंगे। जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया वीरेन जी इस तमाम सारी जानकारी के लिए।